डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में क्रिएट करने जा रहे हैं, या आप कह सकते हो ड्रॉ करने जा रहे हैं, डिसीजन ट्री। और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी की सारी चीजें बताऊंगा विद मैथमेटिक्स कि कैसे हम डिसीजन ट्री को क्रिएट करते हैं और फिर फाइनली एक डिसीजन पे पहुंचते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि डिसीजन ट्री को हम लोग एज ए क्लासिफिकेशन यूज करते हैं, वैसे तो एज ए रिग्रेशन पर्पज के लिए भी यूज कर सकते हैं, बट मोरली क्लासिफिकेशन पर्पज के लिए यूज करते हैं, जहां पर मेरे को आंसर फाइंड आउट करना है कि किस क्लास से ये चीज बिलोंग करती है। तो इसका सिंपलेस्ट एग्जांपल अभी मैं वीडियो बनाने से पहले ही सोच रहा था कि जब मैंने इसका टेक ले रहा था कि यार मेरे को स्पेक्स के साथ बनानी चाहिए या स्पेक्स के बिना बनानी चाहिए, तो ये भी एक क्लासिफिकेशन ही है ना कि क्या मैं इसके साथ बनाऊं या इसके बिना बनाऊं। तो इसका आंसर मेरे को आप दे सकते हो, क्लासिफाई कर सकते हो कि यस या फिर नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो ये भी एक क्लासिफिकेशन का रियल लाइफ एग्जांपल ही है। तो देखो, यहां पे अगर हम बात करें, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, पहले ही मैं स्टार मार्क टर्म्स एंड कंडीशन वाला कॉन्सेप्ट बता दूं, लेकिन वीडियो बहुत इजी है। एक्चुअल में दो ही स्टेप हैं कि मेरे को एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है और मेरे को इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करना है। एंट्रोपी और इंफॉर्मेशन गेन, क्योंकि जो मेरा आईडी थ्री एल्गोरिदम, हम डिसीजन ट्री को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एक मेथड है आईडी थ्री एल्गोरिदम के थ्रू, जिसका नाम है आइट्रेटिव डाइकोमाइजर, या फिर आप यूज कर सकते हो रैंडम फॉरेस्ट को यूज किया जा सकता है, कार्ट को यूज किया जा सकता है, लेकिन यह काफी पॉपुलर है आईडी थ्री एंड रैंडम फॉरेस्ट नेक्स्ट करेंगे, क्योंकि उसमें हम मल्टीपल डिसीजन ट्री को कंबाइन कर सकते हैं। तो यहां पे आईडी थ्री कैसे वर्क करता है वो बताता हूं। तो एंट्रोपी और इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करना है और इस चीज के बेसिस पे हम लोग जो है वो ड्रॉ करते हैं डिसीजन ट्री को। तो सबसे पहली चीज क्या चाहिए, डेटा सेट चाहिए, क्या हम एक्चुअल में फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो देखो, मेरे डेटा सेट को ध्यान से सुनना, सारी चीजें अच्छे से नोट कर लेना। डेटा सेट में क्या है, मेरे पास मल्टीपल डेज का डेटा है, वेदर है, यहां पे वेदर में सनी है, क्लाउडी है या रेन है, ठीक है, तीन इसके अंदर हो गए। टेम्परेचर के अंदर वैल्यूज हमारी या तो हॉट है या माइल्ड है या कोल्ड है या कूल, जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है। और यहां पे नेक्स्ट आ जाता है, हमारे पास ह्यूमिडिटी हाई है, नॉर्मल है, विंड आ जाती है कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग, मतलब हवा ज्यादा तेज चल रही है या हवा वीक है, और उसके बेसिस पे, मतलब ये जो चार एट्रीब्यूट्स हैं इनके बेसिस पे मैं फाइंड आउट करता हूं कि क्या मेरे को गेम, फुटबॉल कह लो, टेनिस कह लो, कोई भी गेम क्या खेलनी चाहिए या नहीं खेलनी चाहिए। तो इस डेटा के हिसाब से हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं। अब हमारे पास कोई पूछ ले कि लेट से आज डे जो है वो सनी है लेकिन विंड वीक है, तो क्या मेरे को खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए, मतलब अगर इस तरीके से आपसे प्रिडिक्ट करने के लिए बोल दे, तो आप यस और नो कैसे फाइंड आउट करोगे, डिसीजन ट्री की हेल्प से। तो डिसीजन ट्री में सबसे पहले कैसे बनाना है, हमें एंट्रोपी और इंफॉर्मेशन गेन, बस दो ही चीजें हैं, बड़ा सिंपल है, लेकिन लेंथी क्यों है, क्योंकि हर डेटा सेट के हिसाब से निकालनी पड़ती है, इस वजह से थोड़ा लेंथी है, बट है दो ही स्टेप, एंट्रोपी इंफॉर्मेशन गेन। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज कि आप कहोगे कि सर ठीक है, हमें यहां पे एक डिसीजन ट्री बनाना है कि जहां पे हम कहेंगे कि ये मेरा रूट नोड हो गया, फिर मैंने फर्दर उसको स्प्लिट किया, फिर फर्दर स्प्लिट किया, लाइक दैट। लेकिन सबसे पहला स्टेप क्या है कि रूट नोड कौन होगा, मतलब मेरे पास यहां पे वेदर भी है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, स्टार्ट किससे करना है यार, मेरा रूट नोड कौन होगा। तो रूट नोड ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी बना दिया, रूट नोड के लिए आपको सबसे पहले जो है वो एंट्रोपी और इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करनी पड़ेगी हरेक की, मतलब वेदर की भी, उसके बाद टेम्परेचर की भी, ह्यूमिडिटी की भी एंड विंड की भी, और चारों में से जो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन आएगा, मतलब उसमें इंप्योरिटी जो है वो सबसे कम है, तो फिर आप उसको चूज करोगे, वो विनर होगा, वो रूट नोड कहलाएगा। तो करते हैं, बस वही चीज है, बस आपको एक बार स्टेप देखने हैं, उसके बाद रिपीट ही और कैलकुलेशन है। तो देखो, सबसे पहले इंफॉर्मेशन गेन ऑफ वेदर कैलकुलेट करते हैं। पहला एट्रीब्यूट वेदर था, टेम्परेचर था, ह्यूमिडिटी थी और विंड थी। तो याद रखना, पहले वेदर का कैलकुलेट करते हैं। एंट्रोपी ऑफ एंटायर डेटा सेट, पहला स्टेप क्या है, पूरे डेटा सेट की एंट्रोपी निकालनी है। कैसे निकालोगे, यहां पे क्या है, 9 क्या है, 5 क्या है, प्लस और माइनस क्या आया, कुछ नहीं है, एक बार सुन लो, नेक्स्ट बार आप अपने आप कर लोगे। देखो, आपका जो आउटपुट है, जो मेरा फाइनल लेबल बनेगा, जो मेरा फाइनल आउटपुट बनेगा, उसमें पूरे डेटा सेट में यस कितने और नो कितने हैं। तो देखो, यस कितने हैं, नो 9, और नो कितने हैं, 5 है, ठीक है। तो मैं यस वाले को पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और जो आपका नेगेटिव मतलब नो है, उसको मैं माइनस से, जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है, ताकि आप उलझोगे नहीं, ठीक है। तो जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन के तौर पर मैं कर रहा हूं इसको। तो देखो, यहां पे 9 मेरे पॉजिटिव यस मतलब 9 है, और नो मेरे पूरे डेटा सेट में 5 है, तो बस
फॉर्मूला क्या होता है एंट्रोपी का, एंट्रोपी को हम सिंबल क्या होता है एंट्रोपी का, कैपिटल एस। तो कैपिटल एस हमने पूरे डेटा सेट का निकालना है, 9/14 माइनस 9/9 मतलब पॉजिटिव डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रोज, कितनी है टोटल नंबर ऑफ रोज 14, पूरे डेटा सेट में 14 रोज है, लॉग 2 9/14 माइनस 5/14 लॉग 2 5/14, बेस जो है वो 2 है, तो एक वैल्यू मेरे पास आ गई 0.94। ये आप कैलकुलेशन जो है वो कैलकुलेटर से कर सकते हो, वहां से इजीली होगी क्योंकि अदरवाइज तो ये काफी मुश्किल हो जाएगा। तो देखो ये आ गया, उसके बाद स्टेप 2 क्या कहता है, एंट्रोपी ऑफ ऑल एट्रीब्यूट्स। वेदर के अंदर क्या था, वेदर के अंदर सनी था, वेदर के अंदर हमारे पास क्लाउडी था और वेदर के अंदर रेन था, तो इन तीनों के हिसाब से निकालो एंट्रोपी। एंट्रोपी कैलकुलेट कर रहे हैं पहले पूरे डेटा सेट की, अब उस एट्रीब्यूट के अंदर क्या क्या वैल्यूज हैं। एक वैल्यू है मेरी सनी, तो सनी देख लो जी, सनी के अंदर हमारे पास ये 2 और 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक बार देख लो उसके बाद आपको समझ आ जाएगी। 2 3 क्या है, सिर्फ सनी देखो, ये रहा सनी, ये रहा सनी, उसके अलावा 3 4 5 टोटल 5 सनी की रोज है, उनमें से देखो यहां पे 9 कितने हैं, 1 2, उसके बाद यहां पे देखो जी यहां पे 3 9 और यस कितने हैं, यस आपके हैं 2, तो टोटल 2 यस है, बाकी के 3 क्या है 9। बस ये चीज है, ये कैलकुलेट करना है आपको, कुछ भी नहीं डेटा के हिसाब से, और ऐसे ही आपको रेन के हिसाब से और ऐसे ही आपको क्लाउडी के हिसाब से कैलकुलेट करना है। तो देखो क्लाउडी कहां पे है, 1 2 2, और दोनों में देखो यहां पे क्या है, यस, और यहां पे भी क्या है, यस, ठीक है, यस, और यहां पे भी क्या है, यस, दैट्स इट, बस यही चीज, और ऐसे ही आपको रेन के हिसाब से। बस एक बार आपको पहली बार लगेगा कि सर थोड़ा मुश्किल है, बट कुछ भी नहीं है, वही स्टेप रिपीट हो रहे हैं। तो सनी में 2 यस है, सिर्फ सनी सनी के अंदर देख रहा है, पूरे डेटा सेट में नहीं, पूरे में हो गया, सिर्फ सनी के अंदर 2 यस है, 3 नेगेटिव है, पूरे में क्लाउडी के अंदर 4 जो है वो मेरे क्या है, यस है, और मेरे 0 जो है वो नो है। आप चेक कर सकते हो यहां पे, ये देख लो जी, एक बार दिखा रहा हूं क्योंकि बार बार अदरवाइज टाइम बहुत लगेगा। 1 2 3 4 और चारों में देख लो यस यस, और एक यहां पे था यस और एक यहां पे था यस, बस ये कहानी है, ठीक है, ऐसे ही हमारे पास रेन में आ जाएगा। और अब यहां पे मेरे पास क्लाउडी में 4 यस है 0 नो, 3 यस है रेन के अंदर और 2 क्या है नो, बस डेटा वही फॉर्मूला एंट्रोपी का, क्या -2/5 टोटल नंबर ऑफ रोज इन सनी, पूरे डेटा सेट में नहीं, वो ऑलरेडी निकाल ली पूरे डेटा सेट की, अब हम सनी के हिसाब से निकाल रहे हैं। तो लॉग 2/5 लॉग 3/5 ये आ गई, उसके बाद 4 एंड 0, अगर एक एट्रीब्यूट 0 आ जाए तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर जो है वो 0 ही आएगा। देन 3 2, अब यहां पे मेरे पास 0.97, ये कैलकुलेशन तो आप इजीली कर ही सकते हो। वैसे आपको बता दूं 0/4 करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका, 0 ही आएगा, और यहां पे 4/4 क्या होता है 1 और लॉग बेस 2 1 क्या होता है 0 होता है, तो इस वजह से आपका आंसर 0। अब आ गया जी इंफॉर्मेशन गेन, लास्ट में एंट्रोपी आ गई पूरे डेटा सेट की, उस एट्रीब्यूट के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ उनकी। अब इंफॉर्मेशन गेन किसका, इंफॉर्मेशन गेन आपका वेदर का, कैसे कैलकुलेट करोगे, पहले तो एंट्रोपी ऑफ पूरे डेटा सेट की लिख लो, क्या है 0.94 माइनस टोटल नंबर ऑफ रोज सनी डिवाइड बाय टोटल रोज सनी की कितनी है 5 डिवाइड बाय टोटल रोज इन द डेटा सेट 14 एंट्रोपी ऑफ सनी माइनस टोटल नंबर ऑफ रोज ऑफ क्लाउडी डिवाइड बाय टोटल रोज इन द डेटा सेट 4/14 नेक्स्ट एंट्रोपी ऑफ रेन टोटल नंबर ऑफ रोज इन रेन 5 है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रोज इन द डेटा सेट 14 एंट्रोपी ऑफ रेन बस इनको मल्टीप्लाई किया इस वैल्यू से और फाइनली मेरे पास एक आंसर आ गया ये वाला एक स्टेप हुआ ये पूरा अब मेरे पास कितने एट्रीब्यूट थे याद करो कितने एट्रीब्यूट थे दूसरा एट्रीब्यूट क्या था टेम्परेचर अब बताने की जरूरत है इसीलिए कह रहा हूं लग रहा है आपको लेंथी है बट इजी है अब टेम्परेचर के हिसाब से पूरे एंटायर डेटा सेट की तो हमारे पास सेम ही आएगी क्योंकि वह सेम ही है लेकिन टेम्परेचर के अंदर है क्या हॉट माइल्ड कोल्ड तो हॉट माइल्ड और कोल्ड के हिसाब से वैल्यूज निकाल ली और फिर फाइनली इंफॉर्मेशन गेन निकाल दिया किसका टेम्परेचर का कैसे सेम वही पूरे डेटा सेट की एंट्रोपी माइनस टोटल नंबर ऑफ रोज हॉट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रोज ऑफ द डेटा सेट इनटू एंट्रोपी ऑफ हॉट माइनस 6 जो है वो टोटल नंबर ऑफ रोज इसकी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रोज पूरे डेटा सेट की इनटू एंट्रोपी ऑफ माइल्ड ऐसी आपके कोल्ड की आ गया वैल्यूज भरो और आपके पास एक आउटपुट आएगी 2 एट्रीब्यूट की होगी वेदर का हो गया टेम्परेचर का हो गया उसके बाद क्या करेंगे सर हमारे पास तीसरा एट्रीब्यूट एक और है कौन सा ह्यूमिडिटी
तो ह्यूमिडिटी के हिसाब से पूरा इंटायर डेटा सेट की तो सेम ही आएगी, लेकिन आपके पास ऑल एट्रीब्यूट। अब ह्यूमिडिटी में क्या है, हाई और नॉर्मल, उसमें दो ही वैल्यूज है, हाई है ह्यूमिडिटी या नॉर्मल है ह्यूमिडिटी। तो हाई और नॉर्मल के हिसाब से हमने वैल्यूज निकाल ली और फिर इंफॉर्मेशन गेन किसका निकाल दिया, ह्यूमिडिटी का। कर सकते हो सर? बिल्कुल इजीली कर सकते हो, क्योंकि एक का पता लग गया तो चार का तो निकाल ही लोगे यार। अब आ गया जी आपका विंड का। विंड में टोटल एंटायर डेटा सेट की हमारे पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। अब विंड के अंदर है क्या, हवा बड़ी तेज चल रही है या फिर हवा नॉर्मल चल रही है, तो उसके हिसाब से हमने एंट्रोपी निकाल ली। और फिर फाइनली इंफॉर्मेशन गेन का फॉर्मूला तो सेम ही है, टोटल एंट्रोपी माइनस टोटल नंबर ऑफ रोज इन द स्ट्रॉन्ग डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रोज इन द डेटा सेट इनटू एंट्रोपी ऑफ स्ट्रॉन्ग, देन माइनस टोटल नंबर ऑफ रोज इन द नॉर्मल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रोज इन द डेटा सेट इनटू एंट्रोपी ऑफ विंड। लो जी हमारा एक पहला स्टेप कंप्लीट होने जा रहा है, हमने चारों एट्रीब्यूट्स की क्या निकाल दी, एंट्रोपी और इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट कर लिया। तो इंफॉर्मेशन गेन आ गया। अब इनमें से देखो सबसे मैक्सिमम किसका है, सबसे मैक्सिमम है आपका ये वाला, तो यानी आपको ये पता लग गया कि आपका जो वेदर है वो क्या बनेगा, वो आपका रूट नोड बनेगा। क्या बनेगा, रूट नोड। अब वेदर के अंदर क्या था, एक सनी था और क्या था, क्लाउडी था और क्या था, रेन था। तो आपकी एक तरह से ये तीन ब्रांचेस जो है वो निकल के आती है, ठीक है। तो ये कहानी हमें यहां तक पता लग गई। अब देखो जी थोड़ा एक मुंह बनने लग गया ना, एक थोड़ा दिखने लग गया आपको। अब देखो यहां पे मेरे पास देखा जाए, आप यहीं पे एक छोटा सा और अंदाजा लगा सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। क्लाउडी में सारी जगह पे यस है, मतलब चारों जगह पे अगर आप ध्यान से देखो क्लाउडी में सब जगह पे यस है, तो आप इसमें तो डायरेक्टली अपने लेबल तक पहुंच जाओ, लेबल मतलब लास्ट वैल्यू तक पहुंच जाओ, यस। ये लीफ नोड तक पहुंच गए कि ये तो यस ही आएगा, क्योंकि नो है ही नहीं, तो ये तो आंसर मेरे को मिल गया कि अगर कहीं पे भी आ जाए कि क्लाउडी आज तो खेलना चाहिए, खेल लो भैया कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रेन और सनी में नहीं, क्योंकि रेन में यस नो भी है, सनी में भी यस नो है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, वही सेम चीज है बट अब हम सनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट करेंगे। किसके, सनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, पूरे डेटा सेट में सिर्फ सनी, वेदर तो हमारा आ ही गया ऊपर, रूट नोड तो वेदर हो गया। अब वेदर के अंदर क्या था, सनी क्लाउडी एंड रेन, क्लाउडी फिक्स हो गया यस, लेकिन सनी और रेन के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें नेक्स्ट नोड देखना है कौन सा, नेक्स्ट वर्टेक्स कौन सा बनेगा। तो सनी के हिसाब से देख लो कितनी रोज है, पांच, तो इन पांचों को अलग कर लो और रेन वाली को अलग कर लो। तो पहले सनी वाली को अलग कर लेते हैं। लो जी सनी वाली पांचों रोज जो थी मेरी डे वाइज वो अलग हो गई। अब सनी मेरा फिक्स हो गया, सनी मेरा फिक्स हो गया, वेदर के अंदर सनी। अब सनी के अंदर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी और विंड में से मैं नेक्स्ट किसको एट्रीब्यूट, किसको मैं वर्टेक्स बनाऊं ट्री का, कैसे, इंफॉर्मेशन गेन, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी विंड। अब इस डेटा सेट के हिसाब से टेम्परेचर का इंफॉर्मेशन गेन, ह्यूमिडिटी का इंफॉर्मेशन गेन, विंड का इंफॉर्मेशन गेन। ध्यान से सुनो स्टेप वही है, लो जी कैलकुलेट करो टेम्परेचर का इंफॉर्मेशन, बट अब ध्यान रखना एंट्रोपी ऑफ एंटायर डेटा सेट नहीं, अब यहां पे एंट्रोपी ऑफ मेरा सनी के हिसाब से कैलकुलेट करना। तो सनी में पांच रोज है हमने ऑलरेडी देख ही लिया है, तो आप कैलकुलेट कर लो जी। उसके बाद एंट्रोपी के अंदर, मतलब जो सनी है सनी के अंदर हॉट माइल्ड और कूल, बट अब यहां पे सिर्फ पांच रोज के हिसाब से, जो आपकी ये पांच रोज है सिर्फ इसके हिसाब से कैलकुलेट करना है और फॉर्मूला आपका वही है। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन गेन हमने कैलकुलेट कर लिया टेम्परेचर का सनी के हिसाब से, फिर हमने कैलकुलेट कर लिया इंफॉर्मेशन गेन ह्यूमिडिटी का सनी के हिसाब से, और फिर हमने कैलकुलेट कर लिया विंड का इंफॉर्मेशन गेन सनी के हिसाब से। तो अब देखो जी यहां पे जब आप कैलकुलेट करोगे तो वैल्यूज आ गई। वैल्यूज में देखो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आई, ह्यूमिडिटी की। क्या पता लगा, पता क्या लगा सर कि वेदर तो हमारा फिक्स थाई रूट नोड, उसके अंदर एक सनी था, ठीक है, उसके अंदर एक मेरा क्लाउडी था और उसके अंदर एक मेरा रेन था। अब क्लाउडी में तो चलो ठीक है जी यस हो गया आंसर, लेकिन सनी में अब नेक्स्ट किसको मैं रूट, किसको मैं रूट नहीं, रूट तो हो गया, मतलब किसको मैं नेक्स्ट वर्टेक्स बनाऊं, नोड बनाऊं, ह्यूमिडिटी, क्योंकि इसका इंफॉर्मेशन गेन सबसे ज्यादा, मतलब इसमें इंप्योरिटी सबसे कम है। लो जी बन गया। अब बस अब ह्यूमिडिटी में क्या था, ह्यूमिडिटी या तो हाई थी, क्या थी, ह्यूमिडिटी, या तो आपके पास ह्यूमिडिटी हाई थी या फिर आपकी जो ह्यूमिडिटी क्या थी, नॉर्मल थी। एक बार देख लेते हैं यहां पे ह्यूमिडिटी में आपके पास यहां पे क्या था, या तो हाई थी या नॉर्मल थी। अब हाई में क्या है, नो, और नॉर्मल में क्या है, यस। लो जी एक और आंसर मिल गया हमें, क्या मिल गया, ध्यान से देखो एक और आंसर हमें मिल गया कि इसके अंदर ह्यूमिडिटी नेक्स्ट बनेगा, ह्यूमिडिटी या तो हाई है या नॉर्मल है, अगर हाई है तो नो आ गया, अगर नॉर्मल है तो यस आ गया। लो जी आगे हम लीफ नोड पे आ गए, यस नो में आंसर मिलने लग गया, लास्ट रह गया रेन। क्या करना है फिर, वही सारे डेटा सेट में से रेन, जो वेदर आपका रेन है वो निकाल लो। ये सनी वाला तो हमारा हो गया,
अब उसके बाद हमने पूरे डेटा सेट में से, अब वेदर तो मेरा फिक्स था ही क्योंकि रूट नोड तो मेरा वेदर है, लेकिन उसके अंदर रेन रेन वाली, रेन रेन गो अवे वाली आप जो है वो सारी निकाल लो। ठीक है, लो जी रेन वाली मेरे पास कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 सेम भाई, 5 रोज आ गई। 5 के हिसाब से अब टेम्परेचर का इंफॉर्मेशन गेन, ह्यूमिडिटी का इंफॉर्मेशन गेन, विंड का इंफॉर्मेशन गेन, कैलकुलेट कर लेते हैं जी। वही हो गया, पहले रेन का 5 रोज है उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लिया, उसके अंदर क्या है हॉट माइल्ड एंड कूल। अब ध्यान रखना बस इस 5 रोज के हिसाब से कैलकुलेट करना है, सिर्फ रेन के हिसाब से आपकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव यस या नो, यस या नो कैलकुलेट कर लो। और फाइनली अब थोड़ा सा ईजी है, कैलकुलेशन भी ईजी हो जाएगी क्योंकि वैल्यूज या तो बराबर होंगी या जीरो, बराबर होंगी तो 1 आंसर आ जाएगा, अदरवाइज 0 आपका आंसर आएगा, अदरवाइज आप कैलकुलेट कर लो। लो जी इंफॉर्मेशन गेन आ गया, नेक्स्ट ह्यूमिडिटी के हिसाब से आ गया, नेक्स्ट आपके पास विंड के हिसाब से आ गया। तो लो जी हमारे पास एक और आंसर निकल गया कि गेन जब रेन हमारा फिक्स है तो उसमें टेम्परेचर ह्यूमिडिटी और विंड के हिसाब से किसका आया सबसे मैक्सिमम, विंड का आया। क्या पता लगा? लो सर अब तो फाइनली पता लग गया कि वेदर के अंदर या तो सनी है या फिर क्लाउडी है या फिर रेनी है, और सनी में हमारे पास नेक्स्ट क्या बना था नोड, ह्यूमिडिटी बना था। ह्यूमिडिटी अगर हाई है तो नो नहीं खेलना, ह्यूमिडिटी अगर नॉर्मल है तो यस हम खेलेंगे, क्लाउडी है तो कोई चक्कर ही नहीं है हम तो भैया खेल लेंगे, कोई रोक के दिखा दे। और रेन में हमारे पास किसका गेन सबसे ज्यादा आया, विंड का, यानी नेक्स्ट नोड आपकी इसमें विंड बनेगी। बस खत्म भैया, विंड बनेगी। तो विंड में देख लो जी कहां है विंड, ये रही विंड में क्या आंसर है, वीक वीक वीक, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग के केस में नो, यस के बाकी के केस में यस। लो जी आपके पास अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है, अगर आपकी विंड बहुत तेज चल रही है तो भैया ना खेलो, उड़ ना जाओ कहीं, और अगर विंड जो है वो आपकी नॉर्मल है, विंड क्या है आपकी नॉर्मल है या वीक है, ठीक है, तो उस केस में यस हम खेलेंगे, कोई रोक के दिखा दे। हो गया, अब कुछ भी दे दे कि ऐसा एक दिन है जिसके अंदर ह्यूमिडिटी जो है वो आपकी हाई है तो, और सनी डे है तो क्या हमें खेलना चाहिए, आप देख लो सनी है ह्यूमिडिटी हाई है तो नो, आंसर आ गया ना नो। अब आप इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन द डिसीजन ट्री, सो दिस इज ऑल अबाउट द कैलकुलेशंस इन द डिसीजन ट्री। थैंक यू।